नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जुड़ू में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी है काले प्रचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों जिले के 7 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 23 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इसी के बगल में 7 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम दिया गया है जहाँ भर्ती किया जाना है। आप लोग यहाँ पर डिटेल से देख सकते हो। और दोस्तों, इसी के नीचे आप लोग यहाँ शैक्षणिक योग्यता देख सकते हो, सभी पदों के बगल में क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा गया, यहाँ पर डिटेल से विस्तार पूर्वक बताया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाएगा। प्रति घंटा के अनुसार आप लोग को 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटा आप लोगों को कार्य करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को प्रति माह 13,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। दूसरा विज्ञापन जारी है काले प्रचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय माकड़ी जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों अतिथि व्याख्याता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती किया जाएगा। व्याख्याता हिंदी, अंग्रेजी, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, इसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। और आप लोग यहां पर शैक्षणिक योग्यता देख सकते हो, क्या मांगा गया है, UGC या फिर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। प्रति व्याख्यान आप लोगों को 300 रुपये दिया जाएगा, जो प्रतिदिन 1200 रुपये होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को प्रति माह 31,200 रुपये वेतन दिया जाएगा। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 15 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तीसरा विज्ञापन जारी है काले कलेक्टर अध्यक्ष स्वामी आत्मनंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छोटे डोंगर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा 14 सितंबर 2022 को बुधवार सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती किया जाएगा। सहायक शिक्षक कला संकाय विज्ञान और सहायक शिक्षक अंग्रेजी के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। सहायक शिक्षक को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये और शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर इसके समक्ष कोई डिग्री है तो भी मान्य होगा। और इसी के साथ DED या BED प्रशिक्षित अनिवार्य होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट के यहां लिंक दिया गया है। यहां पर जाके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन डाउनलोड करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चौथा विज्ञापन जारी किया गया छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत जगदलपुर में सुरक्षा कर्मी के प्रशिक्षण एवं नियोजन हेतु रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग सुरक्षा कर्मी बनना चाहते हो तो भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली एवं SIS इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में इच्छुक युवाओं का चयन किया जाना है। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सुरक्षा कर्मी के लिए रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का कहाँ कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, यहाँ पर सभी स्थानों का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोग सुरक्षा कर्मी बनना चाहते हो तो आप लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिस दिन रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, उस दिन आप लोग अपने साथ समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और अगर आप लोगों के पास अन्य दस्तावेज है तो लेकर आप लोगों को दिए गए समय और तिथि में उपस्थित हो जाना है। पांचवा विज्ञापन जारी है काले कलेक्टर अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 विभिन्न पदों पर शिक्षक विभाग में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली 200 चयन सूची और प्रतीक्षा सूची के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थी को 20 सितंबर 2022 तक आदेशित संस्था में अनिवार्यता कार्यभार ग्रहण करना होगा। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चयन सूची या प्रतीक्षा सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं, यहाँ पर आवेदन क्रमांक दिया गया है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, उसके बाद में अन्य जानकारी दिया गया है।
यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का जिनका चयन किया जा चुका है प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम है उनका सभी डिटेल यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। छठवा विज्ञापन जारी के काले जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा जिसके अंतर्गत 200 स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। फाइनली 200 पात्र अपात्र अभ्यर्थियों का सूची जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो अभ्यर्थी का यहां पर नाम दिया गया है, उसी के बाद उसके माता पिता का नाम दिया गया है और अन्य जानकारी यहां पर दिया गया है। और दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो आप लोग का जो नाम है पात्र पात्र सूची में है या नहीं, यहां पर डिटेल से सभी अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है। सातवां विज्ञापन जारी है काला कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के द्वारा जिसके अंतर्गत 200 फाइनली प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग यहां पर आप लोगों का नाम है या नहीं प्रशिक्षण सूची में आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर सभी अभ्यर्थियों का नाम डिटेल से विस्तार पूर्वक बताया गया है। और दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जिस दिन आप लोग प्रशिक्षण के लिए जाओगे उस दिन आप लोग समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र को लेकर आप लोगों को उपस्थित होना है। यहाँ पर सभी विस्तार पूर्वक डिटेल से जानकारी दिया गया है आप लोगों को क्या क्या लेके प्रशिक्षण के समय जाना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो इन सभी विज्ञापनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इन विज्ञापनों संबंधित या फिर अन्य भर्तियों संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।